बच्चों, पिछली बार हमने ग्रामर पोर्शन में नाउन किए थे। बहुत से बच्चों ने इसका अच्छा रिस्पांस दिखाया है और नाउन शब्द, नाउन की परिभाषा सब लिख कर दिखाया है, परंतु कुछ बच्चे नाउन और वर्ब के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। नाउन वर्ड्स के अंदर उन्होंने वर्ब्स लिख दी, क्रियाएं लिख दी। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब एक अलग चीज है। वर्ब क्या है? क्रियाएं, जो भी काम हम करते हैं, उठना, बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना, घंटी बजाना, खाना पकाना, ये सब वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, जो भी काम होते हैं। और नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम होता है, कोई भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये इन दोनों के बीच अंतर है, इसे आपने ध्यान में रखना है। वर्ब्स और नाउन को हमने अलग श्रेणी में रखना है, मिक्स नहीं करना है। अब जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने उसका सही उत्तर चुनना है। तो अब इसी ग्रामर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, सिर्फ प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ शब्द देखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन के बारे में आपने सुना है, सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम तो सुना होगा ना, जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यह इसकी परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द। अब हम देखिए उदाहरण लेते हैं कुछ, क्यों करते हैं संज्ञा के स्थान पर। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर, बार बार राम कह रहे हैं इसमें, तो इसकी जगह हम लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, राम की जगह ही लगा दिया, हीज फादर, उसके पिताजी, राम्स फादर की जगह वर्क्स विद माई फादर, उसके पिताजी राम की जगह लगा दिया हमने। तो अब देखिए बार बार राम कहने के बजाय दूसरे उदाहरण में वह उसके का प्रयोग किया जाता है, ही इज़ माई फ्रेंड, उसके, हीज फादर, जिससे वाक्य बेहतर हो गया। क्योंकि राम तो एक संज्ञा है इसलिए वो उसका सर्वनाम है, राम संज्ञा था तो उसकी जगह वो लगा दिया तो वो सर्वनाम हो गया उसके भी। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन इज ए सब्स्टिट्यूट ए नाउन, ही, शी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, इट, एक्सेट्रा, ये सब प्रोनाउन है। वही बात होगी दोबारा से, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, सब्जेक्ट जैसे मैं सब्जेक्ट है, करता है, तो इसका कर्म मी, मुझे लगेगा, वी की जगह अस ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट अगर यू है तो वो यू ही रहता है, दे, देम, वे, उन्हें, शी, हर, ही, हिम, इट की जगह इट ही लगता है। तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे इसमें से, देखिए प्रोनाउन, ही इज ए गुड बॉय, तो इसमें क्या है, ही है प्रोनाउन, उसमें गोला लगाया हुआ है, ही। We are going to read English. हम English पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कौन, कुछ लोग होंगे, तुम, मैं, कोई भी होंगे, तो मिला के हम वी हो गया संज्ञा के स्थान पर। अब कुछ वाक्य हैं, इनमें से आपको खुद बताने हैं कौन से प्रोनाउन है। You are a good girl. अब बताओ कौन अच्छी लड़की है, किसी के स्थान पर तो प्रयोग किया है ना। They are doctors. वे डॉक्टर हैं, इनमें से बताओ प्रोनाउन क्या है। अगला है I have a cow, मेरे पास एक गाय है, इसमें क्या है प्रोनाउन। It gives milk, यह दूध देती है, भाई बताओ दूध देती है, कौन दूध देती है, गाय, तो उसकी जगह क्या लगाया है। अब आपको अपनी बुक का कोई लेसन लेना है, उसमें से कुछ वाक्य लिख के प्रोनाउन को अंडरलाइन करके मुझे भेजना है, प्रोनाउन वर्ड्स को अंडरलाइन करके 10 वर्ड।